किसी को नहीं दुखा सकती, इतना दुख होगा। क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूज रहा था, ये सूज रहा था, इधर सूज रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी नहीं, क्या? और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था, पैरों में भी कुछ बताया गया? पैर में चोट थी, उसकी सूजन थी, सूज रहे थे पैर, सूज रहे थे, जो मारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीच जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताप। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। दिनांक 8 नवंबर को काजगंज निवासी श्री विनोद भारद्वाज द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना सायंकाल स्थानीय थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने अल्ताफ नामक व्यक्ति को नामजद किया। स्थानीय पुलिस द्वारा अल्ताफ को पकड़कर थाने लाया गया और उसके साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान 9 तारीख को दिन में करीब 2:30 बजे उक्त अल्ताफ द्वारा थाने के हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले गई, जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा मृतक अल्ताफ को उसके मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार उनके परिवार को सुपुर्द किया गया, जहां पर उसको कल दफना दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ और 4 अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दे दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्यवाही चल रही है। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।